नारी पुरुष समानता भावरे सुदृढ़ मूलद्वारु आमे एक जाति भावरे यात्रा आरंभ करिछंती। स्वाधीनता संग्राम समय रे महात्मा गांधी जन आंदोलन महिला मानंकु एरुंडी डे बाहर दुनिया रे पाद रखिबाकु अनुप्राणित करिथिला। सेही दिनठारु आम समाज एवं विशेष करी आम महिला माने एक उन्नत भविष्यत गठन करिबा पई स्वप्न देखि आसुछंती। महिलांक पई अनुकूल हेउनथिबा कुसंस्कार ओ कुप्रथा गुडीकु आईन किंबा सचेतनता माध्यमरे दूर करा जाउछि। एहारो सकारात्मक प्रभाव समाज उपरे पडुथिबा लक्ष्य करा जाउछि। आजिर संसद रे महिला मानंक प्रतिनिधित्व सर्वाधिक रहिछि। महिला दिवस अवसर रे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तांको कथा मो कथा शीर्षक स्तंभ रे नारी सशक्तिकरण को नै किछि एभळी वार्ता दैछन्ति। पिलाटी दिनरु समाज रे नारीर स्थिति को नै से चिंतित रहि आसुथिबा लेखिछन्ति द्रौपदी। गोटिए पक्षरे कन्या संतान को आदर करा जाय ओ शुभ दिन रे पूजा करा जाय, अपर पक्षरे ता वयसर पुओमानंक तुलना रे समाज रे ता पई जे सुविधा सुजोग उणा ताहा खूब शीघ्र से जानिपारे। पुणी गोटिए पटे नारी को तार अंतर्निहित प्रज्ञा पई सम्मान दिया जाए एवं समस्तंक जत्न नेउथिबारु ताकु परिवारर केन्द्र भावरे विवेचना करा जाए। अपरपक्षे परिवारर किंबा ता निज विषयरे गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नेबा क्षेत्ररे तार भूमिका सीमित बोली महामहिम लेखिछन्ति। एपरिकि व्यक्तिगत स्तररे आम मध्यरु अनेक पुरुष ओ महिलांकु समान बोली विचार करुथिबा बेले सामूहिक स्तररे समाजर अधा लोक नारीमानंक उपरे कटकणा लदि दियन्ति, जेउथिपाई पुरुणा अभ्यास परि पुरुणा रीतिनीति ओ परम्परा सामाजिक स्तररे चालु रहिछि। एहा हि सबु महिलांकर करुणा कहानी। एकविंश शताब्दीरे मध्य अनेक राष्ट्रर महिलामाने राष्ट्र मुख्य किंबा शासन मुख्य होइपारि नाहन्ति। पृथ्वीरे एमिति किछि स्थान अछि जेउठि झियो पई स्कूल जिबा मध्य जीवन मरणर प्रश्न बोली राष्ट्रपति लेखिछन्ति। अतीतरे भारतरे महिलामाने गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नेउथिले, सेमानंक वीरत्व पांडित्व ओ प्रशासनिक दक्षता विषयरे आम पुराण ओ इतिहासरे मध्य उल्लेख रहिछि। आजिर महिलामाने निज निजर रुचि अनुयायी देश गठन क्षेत्ररे अंशग्रहण करुछन्ति। कॉर्पोरेट संस्थार नेतृत्व नेबाठारु सैन्य बाहिनीरे कार्य करुछन्ति, तथापि महिलामानंकु कर्मक्षेत्र ओ परिवार उभय स्थानरे निजर पारदर्शितार प्रमाण देबाकु पडुछि। जेउथिपाई अभियोग न कले भी महिलामाने समाज सेमानंक उपरे आस्था रखु बोली आशा करन्ति। सेपटे प्रतिनिधिमूलक संस्थारे उपर स्तरकु गले महिलामानंकर संख्या ह्रास पाउछि। केवल राजनीति नुहे, अमलातंत्र न्यायपालिका ओ कॉर्पोरेट संस्था आदिरे मध्य ए व्यवस्था देखिबाकु मिलुछि। साक्षरता हार अधिक थिबा राज्यगुडिकरे एहा देखिबाकु मिलुथिबारु शिक्षा केवल महिलांक आर्थिक ओ राजनीतिक स्वावलम्बनकु जे सुनिश्चित करे नाही एकथा स्पष्ट। तेणु नारी पुरुष मध्यरे थिबा भेदभाव चिन्हट कराजाइ तार दूरीकरण पई उपयुक्त पदक्षेप नियाजिबा उचित बोली स्तम्भरे उल्लेख होइछि। रक्षणशीलता कारणरु उभय शिक्षा ओ चाकरी क्षेत्रे महिलामाने पुरुषंक ठारु बहु पछरे पडिछन्ति। उपयुक्त सुजोग पाइले अनेक समयरे महिलामाने शिक्षा क्षेत्रे पुरुषमानंकु अतिक्रम करि जाउछन्ति, जेउथिपाई भारत विश्वरे नारी पुरुष समानतार पथ प्रदर्शक हेब। मनुष्य जातिर प्रगतिरे महिलामानंकु समान अंशीदार करागले पृथ्वी आहुरी सुंदर होइपारिब। नारी मुक्तिर कहानी मंथर गतिरे आगकु चलिछि। नारी पुरुष समानतार विचार प्रोत्साहित पाई मातृत्वरे नेतृत्व निहित भावना उजागर कराजिबा आवश्यक। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भली अनेक सरकारी कार्यक्रम सीधासळक महिलामानंकु सशक्त करिबा दिगरे गोटिए गोटिए उपयुक्त पदक्षेप। ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତାର ଶତବାର୍ଷିକୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଥିବା ଏହି ଅମୃତକାଳ ଆମ ଝିଅମାନଙ୍କର। ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ତାଙ୍କର ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ମହାଗାଥାର ଏକ ଅଂଶବିଶେଷ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।